शादी का झांसा देकर 15 वर्षीय किशोरी से दुष्कर्म करने वाले युवक को जरीपटका पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पकड़ा गया आरोपी जरीपटका निवासी अमित आशीष श्रीवास बताया गया। पुलिस ने किशोरी की शिकायत पर मामला दर्ज किया है। वह 10वीं कक्षा में पढ़ती है। अमित परिसर में ही सलून चलाता है। 2 वर्ष पहले अमित ने किशोरी को अपनी जाल में फंसाया, शादी का विश्वास दिलाकर उसके साथ दुष्कर्म करता रहा। पीड़ित किशोरी के परिजनों की माने तो दोनों के प्रेम संबंधों के बारे में उन्हें जब पता चला तो पूछताछ करने पर किशोरी ने बताया कि अमित ने उसके साथ कई बार शारीरिक संबंध बनाए हैं। इस मामले में परिजन उसे थाने ले गए और शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने विविध धाराओं के तहत मामला दर्ज कर अमित को गिरफ्तार कर लिया। बुधवार को उसे न्यायालय में पेश किया गया है। फिलहाल बताया जा रहा है कि अदालत ने अमित को 13 मई तक पुलिस हिरासत में रखने के आदेश दिए हैं। जरीपटका पुलिस स्टेशन हद्दीतील 15 वर्षीय पीडितेवर आरोपी अमित आशीष श्रीवास राहणार नारा रोड जरीपटका यांनी लग्नाचा आमिष दाखवून शारीरिक अत्याचार केले या संबंधी आमच्याकडे रिपोर्ट आल्याने पोलीस स्टेशनला गुन्हा दाखल आहे। त्यावरून यातील आरोपी अमित आशीष श्रीवास यास अटक करण्यात आली असून पोलीस कस्टडीमध्ये गुन्ह्याचा तपास सुरू आहे। पीडिता आणि आरोपी एकाच परिसरातील राहणारे आहेत। पीडिताला वारंवार लग्नाचा आमिष दाखवून त्यांची सुरुवातीला मैत्री झाली आणि लग्नाचा आमिष दाखवून त्यांनी शारीरिक अत्याचार केलेले। नागरिकांना याद्वारे संदेश देण्यात येतो की त्यांनी आपल्या अल्पवयीन मुलांवर मुलींच्यावर लक्ष ठेवणं आवश्यक आहे आणि शारीरिक अत्याचारापासून किंवा लैंगिक अत्याचारापासून त्यांचं संरक्षण करणं आवश्यक आहे। तसं काही दिसून आल्यास तात्काळ संबंधित पोलीस स्टेशनशी संपर्क साधण्यात यावा। भारतीय दंडविधान 376(1)(2)(n) आणि तसेच पोक्सको कायदा लैंगिक बालकांचे लैंगिक अत्याचार कायदा। NBC News के लिए कैमरा पर्सन अखिलेश भरद्वाज के साथ अभिषेक पांसी की रिपोर्ट।